स्टूडेंट्स, आपका अपने स्वागत है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट। घन संख्या क्यूब पावर, देखो दोस्तों इसका मतलब होता है घात की पावर तीन। जैसे ए, जैसे यहाँ पे ए है ना, ए पावर तीन है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे घन। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर लिखा है टू की पावर थ्री। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, टू पावर थ्री है तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए आराम से देखिए, है ना, इसको मेगा करके समझाऊंगा, आराम से देखिए। जैसे टू इंटू टू इंटू टू इसकल टू एट, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, अब थ्री है, यहाँ लिखोगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो देखो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं परिपूर्ण घन। परिपूर्ण घन का मतलब है दोस्तों कि जिसके पावर पर थ्री हो, है ना, थ्री हो तो उसको हम दोस्तों परिपूर्ण घन बोलते हैं, परफेक्ट रूट बोलते हैं, है ना। जैसे जैसे देखिए वन का कितना है थ्री, तो वन इसे यहाँ पर लिखा वन इंटू वन इसकल टू हो जाएगा वन। ठीक है दोस्तों, टू का हो जाएगा टू इंटू टू इसकल टू हो जाएगा एट। ठीक है, टू टू जाएगा फोर, फोर टू जाएगा एट। थ्री का हो जाएगा उसी प्रकार थ्री इंटू थ्री इसकल टू हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। तीसरे आंसर अपोर का देखो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा फोर इंटू फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अब जैसे फाइव का है तीन है, तो यहाँ हो गया फाइव इंटू फाइव, फाइव आ जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव। दिस इज आंसर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आया घनमूल क्यूब रूट, जैसे थ्री है यहाँ रूट एक्स है, तो एक्स पावर हो गया पावर वन बाई थ्री। क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर चौंसठ है ना, तो इसको यहाँ क्या लिखोगे सिक्सटी फोर, और यहाँ पे हो जाएगा वन बाई थ्री। क्लियर हो गया, यहाँ दोस्तों कितना सिक्सटी फोर, तो यहाँ हो जाएगा फोर की पावर थ्री, क्योंकि फोर फोर हो जाए सिक्सटीन, सिक्सटी फोर हो जाए सिक्सटी फोर वन बाई थ्री, इससे आपका एक कट गया। दिस इज आंसर फोर, क्लियर हो गया। इसको इसको क्या करें, एलसीएम कर लीजिएगा, तो फोर इंटू थ्री बार आएगा तो सिक्सटी फोर, क्लियर आ गया दोस्तों। आप देखिए वन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वन ट्वेंटी फाइव, यहाँ दोस्तों हो जाएगा वन बाई थ्री। क्लियर हो गया, अभी आ जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। क्लियर हो गया, यहाँ हो जाएगा दोस्तों वन बाई थ्री, तो फाइव कितनी बार है थ्री बार। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा वन बाई थ्री कट हो जाएगा, तो इसके आंसर हो जाएगा फाइव। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। आगे देखिए, अब आ जाएगा थर्टीन थर्टी वन, तो इसका आ जाएगा थर्टीन थर्टी वन के पावर आ जाएगा वन बाई थ्री, जिसका दोस्तों हो जाएगा इलेवन इंटू इलेवन इंटू इलेवन, इसके टू हो जाएगा दोस्तों वन बाई थ्री। क्लियर हो गया, अभी दोस्तों कितना हो जाएगा इलेवन का थ्री, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई थ्री, कट करो तो यहाँ पर हो जाएगा इलेवन। दिस इज आंसर, क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए, लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और उसके बाद आपको इस चैनल पे सारे एसएससी का एक एक थ्योरी, अभी मैं आपको अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, कल संडे को मैं आपको एसएससी का मैथ का पूरी सिलेबस डालूंगा, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, आप इस चैनल को ज़रूर देखो। एसएससी का मैं पूरे मैथ कराने को भी कोशिश करूँगा, ये पूरी बेसिक करवा रहा हूँ आपको, फिर हम आपको आर एस अग्रवाल आर एस शर्मा का मैथ करवाऊँगा दोस्तों, और टेंथ के बच्चों ट्वेल्थ को भी बच्चों को भी मैथ लगा डालेंगे, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ का मैथ मेरे चैनल पर डाला हुआ है। फिर हम मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।